क्या बात है, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हें हंसी आ रही है? सच में बच्चे बहुत भोले होते हैं। उस दिन तुमने मेरे इसी चोटी से मुझे नीचे पटका था, याद है? और मैं कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि तुम्हारे पास शक्तियां थी। आज मैं तुझे दिखाऊंगी ये चोटी क्या क्या कर सकती है। हंस ले मेरे मुन्ने, जी भर के हंस ले, क्योंकि तेरी इस छोटी सी जिंदगी की ये आखिरी हंसी है। अब मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाऊंगी जहां से तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। इसके हिसाब से तो उन लोगों को यहीं आना चाहिए था, फिर वो लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? हम यहीं हैं। बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं जानता था कि तुम यहां जरूर आओगे, बल्कि वो डायरी भी मैंने जानबूझकर वहां छोड़ी थी ताकि उसे पढ़ के तुम हमारा पीछा करते हुए यहां आ जाओ। अबे असुर के नाती, हम तो आज तुमको फिर से पप्पू बना दिए। मुझे मेरे मुन्ना को ढूंढना है मक्षिका परी, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे मुन्ने को ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां आपके पास है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलिए, मेरी मदद कीजिए। अगर तुम्हें मक्षिका परी की मदद चाहिए तो तुम्हें हम में से एक उस मक्षिका परी को पहचानना होगा जिसके पास तुम्हारे मुन्ने की सारी शक्तियां, और उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ तब तक का समय है जब तक ये फूल पूरी तरह से खिल नहीं जाता। ये तो सब एक जैसे है, मैं इनमें से उस मक्षिका परी को कैसे पहचानूंगा जिसके पास मेरे मुन्ना की शक्तियां, वो भी इतने कम समय में। यही चाहिए था ना तुम्हें, इसी के लिए हमारा पीछा करते हुए यहां आए हो, है ना? तो सोच क्या रहे हो, ले लो, तुम्हारी ही है। तुम सोच रहे होगे कि ये कील मैंने इतनी आसानी से तुम्हें वापस क्यों कर दी? क्योंकि मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। इन दोनों बच्चों से गलती हो गई कि इन्होंने तुमसे दुश्मनी ली। ये नहीं जानते कि तुम कितने खतरनाक हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा है, इसीलिए मैंने वो डायरी वहां छोड़ दी ताकि उसे पढ़कर तुम यहां आ सको। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें यहां धोखे से बुलाया, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस लौटाने के लिए।
अब तुम्हें तुम्हारी अमानत वापस मिल गई है, इसलिए प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो और अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। चले। अब हमारा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज हमारा पीछा करना छोड़ दो, हमारी जिंदगी से चले जाओ। देखो, अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो तुम हमारी मेमोरी मिटा सकते हो। ऐसा करने से ना हमें तुम याद रहोगे और ना तुम्हारे बारे में कोई इंफॉर्मेशन, और फिर हम तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं होंगे। आपका प्लान सक्सेसफुल रहा। अरे सक्सेसफुल? अरे वो असुरांश के नाती को हम लोग चोमू बना दिए आज। अगर मेरे कुंडली में मेरा अंत तेरे हाथों लिखा है तो तुम्हारे कुंडली में तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा है। मैंने सोचा था मैं मक्षी का परी को ही मार देती हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ कभी वापस न मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा है, इसीलिए उस दिन मक्षी का बच गई। अब तुम नहीं बच पाओगे क्योंकि तुम्हारी मौत में ही मेरी जिंदगी है। ये भूल तो गिलने ही वाला, और कोई चारा नहीं है, मुझे अपनी दावन शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा। वो मक्षी का परी है, आप मुझसे डरी नहीं, मतलब आप मुझे जानती हैं, इसका मतलब आप ही वो मक्षी का परी है जिसके पास मेरे मुन्ने की शक्तियां है। बिल्कुल सही पहचाना, मैं जानती थी तुम बुरे नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं डरी। तो क्या आप मुझे मेरे मुन्ने को ढूंढने में मेरी मदद करेगी ना? प्लीज मेरी मदद कीजिए। फिर मोहना ने अपने अंत का अंत कर ही दिया। बताइए, वो असुर का नाती पूरा का घोचू निकला है सावी? आया था ससुरा हम लोगों की याददाश्त मिटाने के लिए और खुद ही की याददाश्त मिटा करके यहाँ से भाग गया है। और तो और सावी, तुम देखी, वो राक्षस किल भी नहीं लेके गए हो। हाँ वही तो। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, खतरा भी टला नहीं है। हमें उस रोहिणी नक्षत्र वाली लड़की को ढूंढना है, उस तक पहुँचना है इससे पहले कि वो राक्षस उस तक पहुँचे। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है सर जी, मंदिर पहुंच के तो पता चल ही जाएगा कौन लड़की है। घट, शिवलिंग कहां गया? अरे जब शिवलिंग ही नहीं है तो उस लड़की के बारे में पता कैसे करेंगे हम?
बेटा शिवलिंग यहाँ से कहाँ जा सकता है? कहीं नहीं, और उस शिवलिंग को यहाँ से कोई हटा भी नहीं सकता। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा, जब उसको कोई हटा नहीं सकता, वो खुद कहीं जा नहीं सकते, तो मिस्टर इंडिया बन गए जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर शिवलिंग यहाँ नहीं है तो उसका एक ही मतलब है कि शिवजी ने उसे छुपा दिया है। शिवजी ने खुद छुपा दिया है? और छुपा दिया है तो फिर बगैर शिवलिंग के हम लोग महाशिवरात्रि की आरती कैसे करेंगे सावी? और अगर महाशिवरात्रि की आरती नहीं हुई तो फिर हमें कैसे पता चलेगा उस लड़की के बारे में? मतलब रिवंशी जी, आपके पास कोनो दूसरा तरीका नहीं है शिवलिंग को वापस लाने का? नहीं, भारत शिवलिंग को वापस लाने का तरीका मैं नहीं जानता, और ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं पता नहीं। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता तो फिर किसे पता है? दिव्या को। माँ को? मुझसे अलग होने के बाद दिव्या कुछ दिनों तक यहीं रही थी, और उन दिनों में उसने जो भी रिसर्च किया था उसे उसने यहीं पर छुपा के रखा था। हो सकता है कि भारत शिवलिंग को वापस लाने का तरीका भी उसने यहीं कहीं लिख कर रखा होगा।